हम छुटकारा करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में छुटकारा कर दे, हमारे जीवन में ये दे दे, हमारे जीवन में बरकतें कर दे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा भजन संहिता 95 की 6 आयत को पढ़ लीजिए। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। अरे वो कर्ता, वो हमारा और आपका क्रिएटर है, वो हमारा और आपका बनाने वाला है, और उसको करने की जरूरत क्या है, उसके आगे हमें घुटने टेक देने की जरूरत है, उसको दंडवत कर देने की जरूरत है। क्योंकि जब हम आराधना ऐसी करते हैं ना, वो योग है कि हम उसके आगे घुटने टेक सकें। वो आदर के योग है, वो महिमा के योग है, वो स्तुति के योग है। क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमें ये भूल जाना कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, हमें ये भूल जाना कि मैं कहाँ हूँ। 24 प्राचीन और 4 प्राणी उसके सामने उसने घुटने टेक दिए और कहने लगा आदर महिमा और इज्जत जलाल बुजुर्गी तुझे मिले। हालेलुया, ये कब होगा? ये तब होगा, छुटकारा तब होगा जब हम आराधना करना सीख जाएंगे। हालेलुया, बहुत दिनों से हम लोग गीत गा रहे हैं, अभी हम लोग बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सारी चीजें कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हम कर रहे थे बाहरी रूप से। हाथों को उठाना, नाचना, झूमना, ये हमारा बाहरी रूप से है, लेकिन अंदर आत्मा से दाऊद तुम क्या कह रहे हो कि घुटने टेक के? जी हाँ, घुटने टेके, क्योंकि वो है अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो है सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, वो है राजाओं का राजा। अरे किसका मन नहीं करेगा कि उसके सामने हम दंडवत हो जाएं? अरे किसका मन नहीं होगा कि हम भूल जाएं कि हम कौन हैं, हमारा घराना क्या है? हालेलुया, हम कहाँ से आए हैं? क्योंकि वो है सर्वशक्ति, छुटकारा लेने आए ना, छुटकारा मिलेगा। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आराधना में छुटकारा। हालेलुया, आराधना हम लोग बहुत गीत गाते हैं ना, बहुत गीत गाते हैं हम लोग कि आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, है ना, गाते हैं, बहुत सालों से गा रहे हैं। लेकिन ये तभी होगा कि जब हम उसके आराधना ऐसा वर्षिपर बन जाएंगे तो वो हमारे लिए आसमान के झरोके खोल देगा। हालेलुया, वो दे देगा, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम ऐसी वर्शिप करेंगे तो आपको सही बता रहे हैं, आपको ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि हमें ये चीज दे दीजिए, खुदा बाप हमें चंगाई दे दीजिए। नहीं तो गीत लिखने वाला क्यों लिखता है कि आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। अरे शरीर तो हमारी बाहरी रूप से प्रेजिंग वर्शिप कर रहा है, शरीर तो हमारा हाथों को उठा रहा है, लेकिन क्या आत्मा और प्राण हमारी इस बात को कर रही? तभी खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना 4:23-24 में लिखा है परमेश्वर यहोवा ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा रूह की सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया, आइए एक जगह आपको ले सकते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ देंगे। मोहित भाई, पास्टर मोहित भाई से हम इस बात के लिए कहेंगे, और उसने अपने सेविकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास आता हूँ। सोच कर देखिए, एक बेटा इतने सालों बाद मिला, 75 साल की उम्र में खुदा ने बात की थी और 100 साल की उम्र में उसको एक बेटा मिला, और उसके बाद खुदा ने उससे डिजायर की कि ये बेटा मुझे दे दे, कुर्बानी दे दे। कुर्बानी के पीछे एक आराधना छुपी है। हालेलुया, ये अब्राहम जब कुर्बानी के लिए खुदा ने इससे कहा, क्यों कहा खुदा ने? इसलिए कहा क्योंकि ये अपने पिता से जो मोहब्बत पहले करता था परमेश्वर से, जब उसको बच्चा मिल गया, जब उसको बेटा मिल गया, तो वो उसकी मोहब्बत में खो गया। और आपको बताएं, खुदा कभी भी अपने से ज्यादा मोहब्बत पसंद नहीं करता किसी के लिए। वो जलनशील परमेश्वर है, वो इसलिए नहीं जलन रखता कि आपको बर्बाद कर दे, लेकिन इसलिए जलन रखता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूं। वो मोहब्बत का खुदा है। और आपको बता दें, वो कहने लगा कि तुम कर रहे तो अब बेटा कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत को भूल गए, पिछली सी मोहब्बत तुमने छोड़ दी है। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है, कुर्बानी देने के लिए तैयार तो हुआ। कभी कभी हम कुर्बानियां देते ना तो हम गा देते हैं, हम कहते हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये किया, लेकिन अब्राहम ने जो उसकी जीवन की अर्धांगिनी थी उसको भी नहीं बताया। और ये जब जा रहा है तो इसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, कुर्बानी तो दे रहा है
लकड़ियां भी ली है, बेटे को भी ले ली, होम बलि के लिए तैयार भी हो गया है, लेकिन आपको बता दे इसके पीछे एक आराधना है। सोच कर देखिए, जिसको ये पता हो कि मेरा बेटा इतने सालों से जो मुझे मिला है और उसकी हम कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं, क्या उसको पता था कि वहां पे ये इंतजाम होगा, एक मेड़ा तैयार होगा? नहीं, लेकिन उसने एक बात कही, पता है क्या कही, कि मैं और मेरा बेटा जाकर दंडवत करके आता हूं। अरे ऐसी आराधना, अब्राहम कुर्बानी भी है और आराधना भी है। जी हाँ, आपकी कुर्बानी जब आराधना में बदल जाती है तो एक मेड़ा आपके लिए तैयार रहता है। हालेलुया, वो मेड़ा वहां तैयार था और इसलिए तैयार था कि खुदा ने जान लिया था कि ये मेरा सच्चा आराधक है, ये मेरा सच्चा आराधक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम और आप को भी ऐसे ही कुर्बानी के पीछे एक आराधना छिपी होनी चाहिए, और जब आराधना छिपी होगी तो उद्धार तो होगा ही होगा, छुटकारे तो होंगे ही होंगे। कौन सी समस्या में आप फंसे हुए हैं, कौन सी चीजों में आप फंसे हुए हैं, आपको छुटकारे, लेकिन आराधना तो करिए। क्यों? खुदा के कलाम में लिखा है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और रूह की सच्चाई से उसकी आराधना करे। अरे खुदा की तलाश अभी भी बंद नहीं हुई, और वो पता किससे बात कर रहा है? एक सामरी स्त्री से बात कर रहा है। उसने वहां के सरदार निकोदोमस से बात नहीं किया है, वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसने उससे बात किया कि जो ज्ञानवान नहीं थी, जो 5 पति तलाक हो चुके थे, सारी चीजें हो गई थी, उससे बात कर रहा है कि अरे मैं उससे बात कर रहा हूं। आपको बताए, जब हमारी वर्शिप ऐसे हो जाए, खुदा उससे बात करता है जो अपने आप को तुच्छ समझ लेते हैं। हालेलुया, जब तक हम अपने आप को सरदार समझ लेते हैं, जब तक पैसे वाला समझ लेते हैं, जब तक हमारा एक स्टेटस होता है, तब तक खुदा हमसे और आपसे बात नहीं करेगा। आज वो सामरी स्त्री से बात कर रहा है और कह रहा, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा रूह की सच्चाई से मेरी आराधना करें। और ये स्त्री क्या थी? इसने उस आत्मा की आवाज को सुना और वर्शिप क्या करते गई, पूरे नगर में उसने फैला दिया। हालेलुया, इसीलिए खुदा को कहना पड़ गया हमसे और आपसे। जब खादिम यहाँ से कलाम करता है तो कहते हैं, अरे भैया हमारे पास बहुत पैसा, हम क्यों लोगों को बताएं कि हम तो बहुत बेकार थे और खुदा के भवन में जब आए तो उसने मुझे धनवान बना दिया। क्यों कहें, अरे मेरा स्टेटस अभी कहा जा रहा था, मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मेरा स्टेटस खत्म हो जाएगा, अरे लोग कहेंगे कि फलाने खानदान से मैं कर रहा। लेकिन दाऊद हमेशा ये कहता था, मैं और मेरा घराना। और ये वर्षे खुदा को भा गई और उसने कहा, मेरे मन का मुताबिक मुझे शख्स। क्या हमारी और आपकी वर्शिप है ऐसी? छुटकारा तो हम चाहते हैं, चीजें तो हम चाहते हैं, लेकिन नहीं, हम खुदा के अब ले सकते, ले चलते हैं आपको नए नियम में कि देखिए खुदा बाप कैसे लोगों को छुटकारा देता है, किस तरह परमेश्वर वो बात करता है लोगों से। और वो इस बात को कह रहा है, खुदा के कलाम में लिखा बहुत अच्छी बात, लूका निकालेंगे 7 आयत और उसका 36-39 तक पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ, फरीसी है, फरीसी को जानते कैसे, वो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सारा स्टैंडर्ड होता है, सारी चीजें होती हैं, और वो यीशु मसीह को अपने घर लेकर आया, विनती की, उसने प्रार्थना किया। आपको बताएं, कभी कभी हमारी और आपकी प्रार्थना में भी मैं आ जाता है, आता है ना, कभी कभी हमारी और आपकी प्रार्थना में भी मैं हो जाता है। ये वही फरीसी है, लेकिन आगे सुनिए क्या हुआ। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने लगा, बैठा। आप देखिए, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र है, इसने कोई अभी आश्चर्यकर्म नहीं देखे, ना वो यीशु मसीह के बारे में जानती है, क्योंकि वो पापिन है और कुछ नहीं जानती है। और आपको बताए, संगमरमर का पात्र क्या दर्शाता है? एक कीमती वस्तु, एक चीज वो पात्र लाई, और संगमरमर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। सारी चीजें थी, वो उसने अपनी सारी चीजों को, अपनी जो उसकी जिंदगी थी, जो वो लाइफ जी रही थी, शायद वो बहुत मजबूती में थी, शायद वो गरीब तो नहीं होगी, क्योंकि उसके काम क्या थे आपको सभी पता, जब बाइबल पढ़ेंगे, वो गरीब तो नहीं थी, लेकिन वो उसने क्या किया
कि जब यीशु की चर्चा सुनी और यीशु के पास आए तो उसने संगमरमर पे इत्र लाई। वो बेश इत्र किसको दर्शाता है? एक सुगंध को दर्शाता है, एक खुशबू को दर्शाता है, एक चीजों को दर्शाता है। और वो क्या कर रही है? आगे पढ़िए। उसके पांव के पास पीछे, आगे नहीं, क्योंकि वो पापिन थी ना, इसलिए वो भीड़ को छुपते छुपाते कि वहां का फरीसी मुझे अगर देख लेगा तो वो भगा देगा हमें, क्योंकि मैं पापी हूं और ये यीशु मसीह तो पवित्र परमेश्वर है। और वो क्या कि पीछे से, जब हम इस बात को पढ़ रहे थे तो हमने कहा खुदा वो पीछे से कैसे आई होगी, ऐसे आई होगी और तेरे पांव के पीछे बैठ गई होगी। और बैठ गई, आगे क्या हुआ? रोती हुई क्या कर रही? वर्शिप कर रही है। क्या कभी हमारे और आपके वर्शिप में, आराधना में आंसू निकले हैं? अगर आंसू निकलेंगे ना उस आराधना में तो छुटकारा निश्चित होगा। हालेलुया, जरूर होगा। और ये क्या कर, उसके चरणों में बैठ गई और क्या कर रही है? रोते हुई उसको पांव को आंसुओं से भिगो रही है और अपने सिर के बालों से। स्त्रियों का जो खूबसूरती होती बालों से होता है, आजकल तो कट जाते हैं, लेकिन उस समय में खूबसूरती थी। और ये सिर्फ खूबसूरती नहीं थी बल्कि ये एक उसकी शान थी। और उसने अपनी शान को त्याग दिया, उसने अपने स्टेटस को त्याग दिया और सारी चीजों में वो पाँव को चूमती रही और पीछे से आई, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि हम क्या बोलते इसके सामना कर पाए, क्योंकि ये तो पवित्र परमेश्वर, मैं तो एक पापी हूँ। और आपको बताएं खुदा के लोगों, कभी कभी हम और आप जब वर्शिप भी करते हैं ना तो हम भूल जाते हैं खुदा कुछ है, हम भूल जाते हैं खुदा कुछ है। प्रभु हम तो एक जगह दो लोग, वो तो प्रार्थना का जिक्र है, लेकिन आप लोग को पता वो कैसे बोल रहे हैं। कभी कभी हम लोग वर्शिप जब करते हैं तो भी हम सोचते हैं अरे हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन नहीं। ये सामरी स्त्री ऐसी वर्शिपर बनी, ऐसी वर्शिपर बनी कि उसने एक काम किया, जब वो उसके पैर को ऐसे करके चूम रही होगी तो सोच कर देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पैरों को चूमेगा तो आप क्या करोगे? लाओ इसको दिल से लगा ले, कौन सी ऐसी बात है इसके अंदर, कौन सी ऐसी कमी है इसके अंदर जो ये आज इतना रो रही है, जो आज इतना चूम रही है मुझे, और इसने अपनी शान नहीं देखी, इसने अपना चीजों को नहीं देखा, इसने भीड़ को नहीं देखा, उस फरीसी को नहीं देखा। जब हम और आप वर्शिप करें तो आपको बताएं जगह को नहीं देखे कि जगह क्या मायने रखती है। जब हम और आप वर्शिप करें तो लोगों को ना देखे लोग क्या कहते हैं। जब हम और आप वर्शिप करें तो अपनी पोशाकों को मत देखे हमारी पोशाक क्या है। अरे वो राजाओं का राजा, उन पक्षियों को देखो जो सुलेमान से बढ़कर उनको पोशाकें देता है वो खुदा। वर्शिप करना तो शुरू करिए, चीजों को करना तो शुरू करिए। और हुआ क्या? अब आगे पढ़िए ब्रदर। बार बार चूम रही, बार बार इत्र मला, हालेलुया, वो इत्र मला उसने, और बार बार उसके पाँव को चूम रही है। क्या जरूरत थी एक बार चूम लिया? अरे कर तो लिया एक बार वर्शिप। अभी खादिम यहां से बता रहे थे ना खुदा के दास कि एक बार प्रार्थना कर तो ली, लेकिन नहीं, हमारी और आपकी जिंदगी मात्र प्रार्थना एक दिन की ना बन जाए, वर्शिप एक दिन की ना बन जाए, सिर्फ संडे की वर्शिप ना बन जाए कि आधे घंटे की वर्शिप बन जाए, लेकिन ये हमारी और आपकी जिंदगी एक वर्शिपर कहलाने वाले हों। हालेलुया, एक आराधक कहलाने वाले हो, क्योंकि अच्छा लगेगा जब ये पूरी कलीसिया एक आराधक बन जाएगी तो अद्भुत काम अपने आप होंगे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार अपने होंगे और भूल जाइए कि मैं कौन हूं, जैसे ये पापी स्त्री भूल गई। आगे पढ़िए ब्रदर। ये देखकर ये फरीसी जिसने उससे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अरे यदि ये भविष्यवक्ता होता ये जान जाता जो इसे छू रही है वह कौन, कैसी स्त्री है। लोग कहेंगे ना अरे ये तो पापिन है, ऐसी वर्शिप कर रही है कि इसके आंसू निकल रहे हैं, ऐसी वर्शिप कर रही है कि ये लेट गई है, ऐसी वर्शिप कर रही है कि ये मत भूलिए, मत ध्यान दीजिए कौन क्या कह रहा है। अरे जब आपका खुदा आपको छू लेगा, जब आपका खुदा आपसे बरकत कर देगा, जब आपका खुदा आपसे बात करने लगेगा तो वो फरीसी भी देखने लगेंगे, जमाना भी देखने लगेगा और लोग कहने लगेंगे कि जब यीशु की तरह फिर कहने पाएंगे कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। ऐसी आराधक करिए,
ऐसी आराधना करिए कि परमेश्वर हमें और आपको छुटकारा देने वाला हो सके। हालेलुया। क्या हमने और आज तक आपने कभी ऐसी आराधना की है? मैं कल रात में जब इस बात को मनन कर रही थी, खुदा ने मुझे नहीं पता ये, खुदा ने इस बात को बताया कि आराधना ऐसी हो जिसमें छुटकारा हो। हालेलुया। शायद अभी तक हम और आप बंधुआई में हैं, अभी तक हमारे और आपके जीवन में वो उद्धार के काम नहीं हुए, अभी तक हमारे और आपके जीवन में वो चंगाइयां नहीं हुई हैं, और हम दोष लगाते हैं कि खुदा चंगा नहीं करता है। अरे खुदा तो चंगा करने वाला बैठा है भाई। उसने कहा मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि उसके लहू में कुदरत है, उसके लहू में सामर्थ है। वो खुदा है जिसने सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, तो वो कैसे हमें और आपको चंगाई नहीं देगा? लेकिन हमने चंगाई के लिए कभी ऐसी आराधना ही नहीं की होगी। हम खुद गलतियां करते हैं और अपने खुदा से कह देते हैं। बहुत से लोग तो खादमों को कह देते हैं कि अरे भैया वो तो उनकी प्रार्थना से कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे प्रार्थना वो कर रहा है, लेकिन खुदा तो देख रहा है ना कि हम और आप जैसे। अभी खुदा के खादिम ने यहाँ इस बात को बताया कि जब हम व्यभिचार करेंगे, जब हम अपनी जिंदगी संसार में बिताएंगे, तो हम आराधक नहीं बन सकते, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। आगे पढ़िए ब्रदर। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना। बस यहीं बहुत से लोग कहेंगे, फिर प्रभु कहेगा अरे मुझे तुझसे कुछ कहना, इधर आओ, तुम जो कह रहा ना ये पापी स्त्री है, लेकिन सुनो, तुमने मुझे अपने घर पे बुलाया है, आज तक तुमने मुझे चूमा नहीं है, लेकिन जब से ये स्त्री आई इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा, और तुम कह रहे मैं जानता नहीं। अरे मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो मन और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। मैं कैसे नहीं इस स्त्री के बारे में जान सकता हूं? आगे पढ़िए ब्रदर, इसी की 48 पढ़ेंगे। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। आज छुटकारा चाहते हैं ना? बहुत से ऐसे पाप हैं हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके जीवन में बहुत से ऐसे पाप हैं जो हमें आराधना करने से रोक लेते हैं, जो हमें वर्शिप करने से रोक लेते हैं। सबसे बड़ा पाप आपको बताए, प्रेजेंट टाइम में मोबाइल है सबसे बड़ा। जब आराधना का टाइम होगा तो आपको पता वो मोबाइल सामने आ जाएगा, ऐसे लोगों के कॉल आ जाएंगे कि आप सोचोगे ला थोड़ी बात कर ले, अरे तब बात कर लेंगे, अरे आप तो डिस्टर्ब हो, लेकिन जो आराधना कर रहा वो भी डिस्टर्ब हो गया। ये मोबाइल सबसे बड़ा दुष्ट की चाल है। और मैं तो कहती हूँ खुदा बाप मेरे दिल की इच्छा, आपको पता है मेरे पास बड़ा मोबाइल है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन मैं लाती हूँ अपना यही मोबाइल है। लोग कहते तुम अपनी इतना बड़ा मोबाइल है उसके बाद भी ये लेके जाती? जी हाँ, क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना है, मुझे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाढ़ जोना है। हालेलुया। अरे जो वो एक मोबाइल के दसों मोबाइल दिलाने की सामर्थ रखता है, लेकिन कहना ये मोबाइल सबसे बड़ा हमारे और आपके लिए दुश्मन हो गया है, ये हमारी आराधना में एक बाधक बन गया है, ये हमारे और आपके बच्चों के जीवन में उनको आराधक बनाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। आराधक नहीं बना पाते हैं, बन नहीं पाते उनसे, वो ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। बड़ों के जीवन में ये हथियार है, लोग देखेंगे आज दाल में नमक है कि नहीं है, मम्मी के घर में क्या बना है, चीजें क्या हुई है, सास बहू में लड़ाइयां भी हो जाती है मोबाइल के द्वारा, यहां बात होगी वहां तक पहुंच जाएगी। कैसे हुआ? घर में तो बैठे हैं, बस में टिकट भी लगाने की जरूरत नहीं है, बाइक में पेट्रोल भी डाला के जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये मोबाइल ने सब कर दिया। अरे कैसे हम और आप आराधक बन पाएंगे? अरे देखना है मोबाइल में तो देखिए आराधकों के गीत देखिए, और ये परमेश्वर के वचन को देखिए। जब ये सब चीजें हम देखते हैं तो खुदा हमारे जीवन में छुटकारा लाता है, और हम कहते हैं अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ, अभी तक मेरी जिंदगी में ये बात नहीं, अभी तक हमारे बच्चे ऐसे आशीष नहीं हुए, अभी तक हमारी जिंदगी में ये चीजें नहीं। अरे आराधक बनना सीख जाइए। आपको पता है एक वर्शिपर था बाइबल में, दाऊद था ना, जब साउल के ऊपर दुष्टात्मा थी, वो वीणा बजाने के लिए बुलाया गया। पहले के जमाने में गिटार नहीं हुआ करते थे, वीणा थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो कैसे वर्शिपर बन गया? वो जंगल में परेशानियों में होकर जब आप उसकी स्तुति करोगे, आराधना करोगे, उसके गीतों को गाओगे, मगन हो जाओगे, और क्या कह रहा है, पैर में चप्पल नहीं है, घर वालों ने निकाल दिया है, सारी चीजों को कर दिया है, रोटी भी नहीं मिल रही है, और जंगल परेशानी को दर्शाता है, संसार में सारी चीजों को। हो सकता हमारे और आपकी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे जंगल हो जो शायद हमें वर्शिप करने से पीछे गिरे, लेकिन वो वीणा बजा के कहता था यहोवा मेरा चरवा, मुझे किसी बात की घटी
और ये वर्शिप ने उसको एक राजा बना दिया। हालेलुया, आपकी वर्शिप ऐसी हो जाए, हमारी वर्शिप ऐसी हो जाए कि उसको भा जाए और वो हमें घूरे पर से उठा के राजपतियों के बीच में बैठा दे। होनी तो चाहिए, वीणा बजाने वालों, गिटार बजाने वालों, वर्शिप कराने वालों, दुआ करिए आज से कि हम ऐसे राधा को कि जब गिटार बजे तो दुष्ट आत्माएं आंख निकालने लगे। रीबारा मनमा सीखे दे रे रिबे रिबे सीखे दे रे रमा। अगर आज आप बनने के लिए तैयार हैं तो आज कहिए खुदावन कि हाँ हम ऐसे वर्शिप बनेंगे, हम ऐसे आराधक बनेंगे, हम ऐसी दुआ करने वाले बनेंगे कि हमारे गीत गाने से महज वर्शिपर नहीं, यहाँ जो गवाही दें ऐसे आराधक बन जाइए कि जब गवाही दें तो लोगों का छुटकारा हो जाए। आपकी गवाही देखकर लोग कहें उद्धार तो यहीं पर है। पौलुस और सिलास तुम क्या कर रहे हो? प्रेरितों के काम 16 अध्याय में लिखा है ना कि पौलुस और सिलास क्या कर रहे हो? बहुत बेते पड़ी हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत बार हम लोग ने ये कलाम सुना है और अभी जब मीटिंगें शुरू होंगी लेंट पीरियड की तो ये कलाम बहुत है। लेकिन पौलुस और सिलास कर क्या रहे हैं? आपको पता है बेते पड़ी हैं, जंजीरों में जकड़े हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो आराधना कर रहे हैं। कहीं नहीं लिखा कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। और आराधना वो चीज है जो इतिहास को बदल देता है। आराधना आपका इतिहास, उसका कह रहा है कि अभी अभी तो तुम्हें कुछ समय पहले डंडे पड़े हैं, बेते पड़े हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हो। मुझे नहीं पता आज की सुबह कौन कौन जंजीरों से जकड़ा है, कौन कौन बीमारी से जकड़ा है, कौन कौन समस्याओं से जकड़ा, कौन कौन व्यभिचार के बंधन में जकड़ा है, कौन कौन ऐसी संगति में जकड़ा है। शायद आप छुटकारा नहीं पा रहे हो ना, तो पौलुस सिलास की तरह आज कहिएगा कि खुदावन यीशु मसीह चाहे जैसा बंधन हो, चाहे जैसे जकड़े हो, हम नहीं देखेंगे अपनी उस समस्या को, हम नहीं देखेंगे अपनी इस बीमारी को, नहीं देखेंगे अपने बेत खाने को। पौलुस और सिलास एक काम कर रहे थे, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां मौजूद होता हूँ पवित्र आत्मा। पौलुस और सिलास दो लोग हैं और कर क्या रहे हैं? ये नहीं कर रहे हाय पौलुस तुम्हें कितनी चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, सिलास भी नहीं कह रहा अरे भाई जी तुम्हें लगी है। नहीं, वो एक काम कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया, क्या कर रहे हैं? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। बड़ाई क्या कर रहा है? प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। वो मोहब्बत का खुदा है। अरे वो कैसे आपको देख सकता है जेल खाने में, वो कैसे देख सकता है आपको इस बंधुआई में? और उसकी ये स्तुति आराधना, ये उसकी वर्शिप क्या हुआ पता है? खुद तो उसकी बेड़ियां टूटी, लेकिन वहां के कैद खाने के लोग भी बंधन से आजाद हो गए। हालेलुया, वो दरोगा जिसने बहुत बेत पाना था, आज वो कह रहा हे सज्जन मुझे बता दो, सज्जनों कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। आज का हमारा यही टॉपिक है कि परमेश्वर आराधना में छुटकारा है। कौन सी चीजें हैं जो आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर रही हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आराधना? तभी तो पौलुस को ये हिया हुआ कि ये कहने पाए कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। अरे जुदाई मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उस परमेश्वर से अगर जुदाई हो जाएगी तो हम और आप कहां जाएंगे, हम और आप कहां रहेंगे? ना तो हमारा टैलेंट काम आएगा, ना हमारी पोजीशन काम आएगी। आपको बताएं बहुत हम अपने शायद शरीरों पे भी घमंड करते हैं। एक मिनट में शरीर पैरालिसिस का अटैक हो जाता है और धराशाही हो जाते हैं, सब मोहताज होता जाते हैं कि कोई एक गिलास पानी भी पिला दें। मत वो करिए, ये शरीर के, तभी तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मैं जीवता और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा। अरे वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। खुदा के लोगों बन जाइए ऐसे आराधक। जब हम ऐसे आराधक बन जाएंगे तो खुदा अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो है ऐसा परमेश्वर। उसने तब स्त्री से बात की, क्योंकि वो भी यीशु मसीह जब वो स्त्री से बात कर रहा है, उसने अपनी पूरी सेवकाई में 33 साल की सेवकाई में एक सच्चा आराधक अपने पिता का बना रहा ना, सबको पता है ना वो सच्चा आराधक था यीशु मसीह। जब वो काम स्वयं करता था तब वो हमसे और आपसे करने के लिए कहता था,
और हम और आप वो काम तो नहीं करते हैं। शायद हम लोग कलीसिया से कह देते हैं या लोगों से कह देते हैं, अरे बहन तुम ऐसी तुम ये काम छोड़ दो, लेकिन शायद कमी हमारे अंदर भी पाई जाती होगी। लेकिन सबसे पहली बात ये, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं और भूल जाऊं कि मैं कहां हूं। इब्रानियों 10:20 में क्या लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, हालेलुया हमारे लिए अभिषेक है, यही रुक जाएंगे। जो कौन, प्रभु यीशु मसीह, जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो पर्दा दो भागों में फट गया था ना, और उसने ये पर्दा जो है यीशु के शरीर को दर्शाता है। उसने अपनी 33 साल की सेवकाई में उसने वो अपने पिता का सच्चा आराधक बना, और यहां तक कि उसने अपने जीवन में कोई भी इच्छा अपने पिता के प्रति नहीं की। वो कोई इच्छा रखता नहीं था कि मेरी मर्जी सिर्फ मेरे जीवन में पूरी हो, लेकिन वो ऐसा आराधक बना कि उसने क्रूस तक की मृत्यु सह ली और वो एक सच्चा आराधक अपने पिता का बना रहा है। और उसने वो पर्दा जब फटा, क्या करने की जरूरत है, हमें और आपको आज की सुबह उन पर्दों को फाड़ देने की जरूरत है। जो पर्दा हमारी इच्छाओं में का है, जो पर्दा हो सकता है, वो पर्दा जो आपको लग रहा हो, इस पर्दे के पास जब हम जाएंगे, इस पर्दे को जब हम लिए रहेंगे और फाड़ेंगे नहीं, तो शायद ये हमारी सुरक्षा कर दे, शायद हमारी चीजों को कर दे, शायद वो कर दे। लेकिन यीशु मसीह क्या करे, इन्होंने पर्दे दो भाग बैठ गया, उसने अपने शरीर का वो बलिदान दे दिया, इसलिए दिया ताकि हम और आप छुटकारा पाए। हालेलुया। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, हमारी और आपकी जिंदगी में आज भी बहुत से ऐसे पर्दे हैं जो फटे नहीं हैं। बहुत सालों से हम कलीसिया में आ रहे हैं, बहुत सालों से हम उसकी इबादत कर रहे हैं, बहुत सालों से हम गीत गा रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो पर्दे हमारी और आपकी जिंदगी में, क्योंकि हमने अपनी उस इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में जानने की कोशिश ही नहीं की है। लेकिन यीशु मसीह थे, वो हमेशा अपने पिता की इच्छा को जानते थे, और उनके पिता की इच्छा ये थी कि जाओ, मेरी इच्छा ये कि तुम क्रूस पर अपने प्राण दो, इसलिए दो ताकि ये जो बंधुआई में हमारे लोग हैं वो छुटकारा पा सकें। हालेलुया। हम और आप क्या कर रहे हैं, हम और आप क्या कर रहे हैं, क्या हमने अपने उस पर्दों को फाड़ा है? आज खुदा के लोगों, पर्दे को फाड़ने की जरूरत है। आज कौन सा पर्दा हमें और आपको उस खुदा की मोहब्बत से, उस खुदा की आराधना करने से रोक रहा है? अगर रोक रहा है तो आइए, लिखा है खुदा के कलाम में, उन उलझाने वाली वस्तुओं को और उन पाप को जो हमें परमेश्वर की मोहब्बत से अलग करते, त्याग देने की जरूरत है, उतार फेंकने की जरूरत है, सारी चीजों को करने की जरूरत है। उन कपड़ों को उतार फेंकिए, उन चीजों को उतार फेंकिए अपने जीवन से, क्योंकि जब हम ऐसा करने पाएंगे तो हम एक सच्चे आराधक अपने पिता के होन बनने पाएंगे, जैसे यीशु मसीह अपने पिता का आराधक बना। हालेलुया। आज की सुबह हमें उस पर्दे को फाड़ने की जरूरत है।